बीजेपी की ओर से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द ही दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। पहली लिस्ट में जिन सांसदों का टिकट काटा गया है उनमें से एक ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कस्वा ने शुक्रवार को अपने आवास पर हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया। राहुल कस्वा ने भावुक अंदाज में समर्थकों के सामने अपनी बात रखी और अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया। राहुल ने समर्थकों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। समर्थकों ने उन पर ही फैसला छोड़ा तो कस्वा ने चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कहा कि फैसला जनता ने ले लिया है और मैंने बात सुन ली है। आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। हालांकि राहुल ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वे कांग्रेस से आ रहे ऑफर को स्वीकार करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लगन वो मेहनत 1977 से लेकर 1991 का वो सफर जनता के बीच में रहकर जनता का दिल जीतने का काम किया। चुनाव हमने कभी हार या जीत के लिए लड़े नहीं, जनता की आवाज बनने के लिए, जनता के कामों के लिए, जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए लड़े हमेशा। अगर आज ये भी मौका होती तो शायद सफर हम इतना जीत नहीं पहुंच नहीं पाते। राहुल ने बिना किसी का नाम लिए बीजेपी के कुछ नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राहुल कस्वा ने कहा कि चूरू का बच्चा बच्चा अपने भविष्य का फैसला करेगा, ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता है। राहुल ने कहा कि ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले कल का फैसला लेगा, क्या वह व्यक्ति तय करेगा कौन जिएगा कौन मरेगा, क्या वह व्यक्ति हमारे बच्चों के आने वाले कल पर फैसला करेगा। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के खिलाफ एक आदमी के अहंकार की लड़ाई है। मैं कभी ना झुका हूँ ना झुकूंगा। राहुल ने कहा कि उन्हें टिकट कटने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका टिकट क्यों काटा गया इस बात का जवाब भी नहीं मिला है। राहुल ने आगे कहा कि मैं टिकट के निर्णय के बाद बहुत विचलित रहा। मैं आश्वस्त था कि लोगों के बीच में रहकर जो मैंने काम किया है उसका परिणाम अच्छा ही रहेगा। जब पता चला तो मैंने बहुत सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये लड़ाई तो चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। मैं आज आपके दरबार के अंदर आया हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कौन से पद पर चलूँ। मुझे इतना ही पता है कि पथ आप दिखाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने एकांत धर्मोता में कही थी, जब पहली बार चुनाव लड़ा था चूरू की धरा से मैंने वो बात कही थी। मैं कभी झुका हूँ न कभी झुकूंगा, झुकूंगा तो सिर्फ मान और सम्मान के अंदर। और आपका भाई आपका बेटा आज कभी हर सिर नहीं झुका है, सिर उठा के खड़ा हूँ। आपके तुम्हारे साथ है। बीजेपी ने राजस्थान में अब तक 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 47 वर्षीय राहुल कस्वा की जगह बीजेपी ने इस बार चूरू सीट से देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया जो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रोअर रहे हैं। जाट समुदाय से आने वाले राहुल 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले इसी सीट पर 1999, 2004 और 2009 में उनके पिता राम सिंह कस्वा सांसद रहे हैं।